नमस्ते टू एवरीवन। आप सभी का स्वागत है डे 5 में। और इतने दिन से हम एक साथ एक यात्रा पे चल रहे हैं, और आज मैं कहूंगी ये आखिरी दिन नहीं है। यात्रा तो सदैव चलती रहेगी और हम आगे भी मिलते रहेंगे, और इस यात्रा पे हम एक साथ ही चल रहे हैं। तो बहुत अच्छा लग रहा है कि आप सब की जो फीडबैक या क्वेश्चंस आते हैं, तो हमें भी लगता है कि आप उस चीज को समझ रहे हैं, अपने जीवन में उतार रहे हैं। और क्वेश्चन तभी आते हैं जब क्यूरियोसिटी होती है उसको जानने की और जीवन में क्लैरिटी लाने के लिए। तो बहुत अच्छा है कि आप सब अपने बिलीव्स पे काम कर रहे हैं, अपने ट्रॉमास पे काम कर रहे हैं, अपने आप को अच्छे से और समझ रहे हैं। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। जो भी हमें क्वेश्चन मिलते हैं, पता चलता है माही जी से, नीता जी से, तो बहुत अच्छा है। और आज हम एक और ट्रॉमा पे बात करेंगे। थोड़ा मेडिटेट करेंगे थोड़ा उससे पहले। तो ठीक है, चलिए, तो हम सब आंखें बंद करते हैं कुछ देर के लिए और अपना ध्यान अपनी सांसों पर लगाते हैं। केवल अपनी सांसों के साथ अंदर आती और बाहर जाती सांस, आज के सेशन के लिए खुद को अलाइन करते हुए, अपनी अवेयरनेस का विकास करते हुए, सांसों के साथ रहते हुए आखिरी 1 मिनट
ओके फ्रेंड्स, धीरे धीरे हम अपने हाथों की हथेलियों को आंखों पर रखेंगे और धीरे धीरे अपनी आंखें खोलेंगे एक मुस्कान के साथ। तो दोस्तों, आज हम अपने इस क्लास के वर्कशॉप के पांचवें दिन पर हैं। हमने चार ट्रॉमास को समझा जाना और आज हम पांचवें ट्रॉमा की बात करेंगे। हर बार की तरह आपको इस ट्रॉमा के लिए भी पेन एंड पेपर चाहिए, तो आशा करता हूं कि आपके पास आपके नजदीक पेन एंड पेपर है जहां आप अपने लिए लिख पा रहे हैं और दूसरा हम सब के लिए कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। तो चलिए आज के सेशन को, आज के ट्रॉमा को आपसे परिचित करवाने के लिए मैं कुछ प्रश्नों से शुरू करूंगा। और मैंने एक प्रेजेंटेशन में प्रश्न कुछ सेट किए हैं। तो सबसे पहले ये प्रश्न आपको अपने आप को पूछना है, डू यू बिलीव इन द कॉन्सेप्ट ऑफ हेल और हेवन, कि क्या आप विश्वास करते हैं कि स्वर्ग और नरक जैसी कोई चीज है। आप इस प्रश्न का उत्तर हाँ या ना में दे सकते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं जो कहता है, डू यू बिलीव दैट इट इज द गॉड दैट पनिशेस द रॉन्ग डूअर्स, कि क्या आप इस चीज पर विश्वास करते हैं कि ये भगवान है जो गलत करने वालों को या पाप करने वालों को पनिश करता है। आप अपना उत्तर हाँ या ना में लिख सकते हैं कमेंट सेक्शन में, अपने लिए भी लिख कर रख सकते हैं। No, yes, okay, very good. Mixed answers हैं, very good dear friends. You can be as original as you want. इसमें कोई भी सही या गलत उत्तर नहीं है। हम अपने विकास के लिए जा रहे हैं, तो जब हम अपने अंदर से सही उत्तर जो हमें महसूस होता है उसको आने देंगे, तभी हम उसको इंक्वायर कर सकते हैं कि ऐसा क्यों आ रहा है। अगला प्रश्न, डिड यू फॉलो एनी रिलीजियस रिचुअल्स विदाउट अंडरस्टैंडिंग द रीजन बिहाइंड इट, इसका मतलब है कि क्या आपने, जैसे हम रिलीजियस काम करते हैं, रिलीजियस रिचुअल्स करते हैं, धार्मिक रिचुअल्स करते हैं, क्या आपने उनको फॉलो किया है उनके पीछे का अर्थ समझे बिना। जैसे किसी ने कहा कि भगवान शंकर को तांबे के लोटे में जल नहीं चढ़ाना है या दूध नहीं चढ़ाना है, तो क्या हमने इसको ऐसे ही करा या उसके पीछे का रीजन समझ के फिर करा। और या जैसे एक नॉर्मल बिलीफ चलता है, मंगलवार को सिर नहीं धोना, बाल नहीं धोने हैं, तो ये सारी चीजें क्या आपने इनके पीछे का रीजन समझा है या इसे एज इट इज ही फॉलो करते आए हैं। देख लेते हैं आप सब क्या लिख रहे हैं। नो, यस, नो, नो, ओके, वेरी गुड, एक्सीलेंट। ओके, पहले लगता था अब नहीं। ओके, वेरी गुड, ओके, वेरी गुड निधि जी, यस, टॉट थ्रू जनरेशंस, न्यू क्वेश्चंस, न्यू पेरेंट्स, एक्सीलेंट, वेरी गुड। हाँ जी लविशा जी, बिल्कुल अभी तक ऐसे ही फॉलो करते आए हैं, शाबाश, वेरी गुड। तो चलिए अगला प्रश्न भी देख लेते हैं, डिड रिलीजन प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन माई चाइल्डहुड,
कि जब मैं बचपन में था, जब मैं बच्चा था, तो धर्म का क्या रोल था मेरी अपब्रिंगिंग में, मेरे को बड़ा करने में, मेरा विकास करने में धर्म का क्या रोल था? बहुत इंपॉर्टेंट रोल था, धर्म के बारे में बात होती थी, क्या बात होती थी, ये आप थोड़ा इस पर निगाह दौड़ा सकते हैं कमेंट्स भी आ रहे हैं। वेरी गुड, यस, कईयों का यस है, कईयों का नॉट मच है। रिलीजन वॉज नॉट इम्पॉर्टेंट बट पार्ट ऑफ पेरेंट्स लाइफ, ओके, यस, वेरी वेरी स्ट्रिक्ट, ओके, एक्सीलेंट, ओके, वेरी गुड, डिस्कशंस होती थी फैमिली में, स्ट्रिक्ट टीचर, वेरी गुड, एक्सीलेंट, यस, एज यू सी योर, एज यू सो योर कर्मास, इट कम्स बैक टू यू, वेरी गुड, एक्सीलेंट डियर फ्रेंड्स। तो चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। हाउ मेनी टाइम्स हैव यू बीन टोल्ड और हर्ड फ्रॉम अदर्स पाप लगेगा, कि बचपन में या अभी कितनी बार किसी को कहा है या किसी से सुना है पाप लगेगा? हर बार, इनफाइनाइट, मेनी टाइम्स, वेरी मच, कांट काउंट, जिलियन टाइम्स, ऑलवेज, यस, मोर देन अ लैक, मेनी टाइम्स, यस, ऑल द टाइम, बहुत बार, सो ट्रू, सो ट्रू, यस, ऑलमोस्ट एट एवरी स्टेप ऑफ कर्मा, यस, मेनी मेनी टाइम्स। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न एक वाक्य है जो आपको पूरा करना है। एज अ चाइल्ड आई वॉज टोल्ड दैट गॉड इज, जब मैं बच्चा था तो मुझे बताया गया था कि भगवान डैश 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 डैश, इसको आप पूरा करेंगे। गॉड इज एवरीवेयर, आवर फादर एवरीवेयर, पेरेंट कृष्णा है, वेरी गुड, एवरीवन, शक्ति वॉचिंग अस, यस, सब देखता है, वेरी गुड, गिव्स पनिशमेंट इफ यू डोंट लिसन टू देम, यस, सो ट्रू निधि, गॉड इज देयर सम लाइट, वेरी गुड, वॉचिंग अस, यस, God is watching us, so behave yourself. God is within us. भगवान से बड़ा कोई नहीं, इंसान से ऊपर की पावर, यस, वेरी गुड, एक्सीलेंट। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एज अ चाइल्ड आई बिलीव्ड दैट गॉड इज, कि जब मैं बच्चा था तो मुझे लगता था भगवान डैश 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 डैश। पहला था कि आपको क्या बताया गया, अब ये है कि आपको क्या लगता था। हो सकता है कि जो बताया आपको वही लगता था, या आपको कुछ और लगता था। अब दोस्तों इन प्रश्नों में स्पॉन्टेनियस रहिए, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं। अगर आप सोचेंगे तो यानी कि आप अपने कॉन्शियस माइंड को यूज करके आंसर बनाने का प्रयास कर रहे हैं, फटाफट लिख सकते हैं, वेरी गुड, गॉड इज एवरीवेयर, हमें देख रहे हैं, यस, विद इन मी गॉड है, आई यूज टू बी अफ्रेड, मूर्ति में है, एक्सीलेंट, वेरी गुड, गॉड इज इन टेम्पल, नाउ आई फील ही इज द वन हु क्रिएटेड, यस, इज मी, एज अ चाइल्ड आई ऑलवेज बिलीव गॉड लिव्स एवरीवेयर, मुझे लगता था मुझे भी भगवान बनना है, वेरी गुड, एक्सीलेंट, लिव्स इन द स्काई, वेरी गुड, एक्सीलेंट। सो दोस्तों ये प्रश्न पूछने के पीछे एक आज एक उद्देश्य है, क्योंकि इन प्रश्नों से हमें
जो हमारी विचारधारा है भगवान को लेके वो सामने आती है। और जैसे कि हमने बहुत सारे ट्रॉमास की बात करी है, तो जो विचारधारा भगवान की हमने लेकर रखी है वो भी कहीं ना कहीं किसी प्रकार से ट्रॉमा का रूप लेती है। अगर वो विचारधारा थोड़ी लिमिटेड है तो वो क्या होगा, हम अपने जीवन में उसी की तरह, जैसे कहते हैं ना लीर के फकीर, उसी चीज में चलते रहेंगे। तो इस प्रकार के ट्रॉमा को हम कहते हैं रिलीजन ट्रॉमा, कि ऐसा ट्रॉमा जो हमें कहा जाता है रिलीजन के नाम पर पकड़ाया जाता हमारे हाथ में, कि अगर आप ये करोगे तो ये होगा, अगर आप ये नहीं करोगे तो ये नहीं होगा। मुझे याद है जब मैं छोटा होता था, मैं सेकंड क्लास से मंदिर जाता था भगवान शंकर के साथ, आई हैड डीप कनेक्शन। तो मुझे याद है एक बारी मेरे जाने में नागा डल गया, जिसे कहते हैं कि एक ब्रेक डल गई। तो उस दिन मेरा पेपर था, तो पेपर अच्छा नहीं हुआ, तो मेरे को ये लगता रहा कि आज मैं भगवान के जल नहीं चढ़ा के आया तो इसीलिए मेरा पेपर अच्छा नहीं हुआ। तो क्या होता है, दिस इज कॉल्ड अ काइंड ऑफ एन एग्जाम्पल ऑफ रिलीजन ट्रॉमा, क्योंकि हमें इस तरीके से सिखाया जाता है कभी कभी कि भगवान को पूजना है, और अगर आप भगवान को पूजोगे नहीं तो क्या होगा, भगवान आपसे नाराज हो जाएंगे, और अगर नाराज हो जाएंगे तो फिर आप कहाँ बच के जाओगे आपको पता है। तो ये सारे जो प्रश्न मैंने आपसे पूछे हैं, ये प्रश्न मैंने इसलिए पूछे हैं ताकि आप अपना रिश्ता भगवान से देख पाए, और चाइल्डहुड से ज्यादा रिलेटेड इसलिए पूछे हैं क्योंकि चाइल्डहुड का जो प्रभाव है हमारे साथ बहुत देर तक, हम सब आपको बताते रहे हैं कि बहुत देर तक चलता रहता है, तो उसको कॉन्शियसली ब्रेक करने का पैटर्न तब बनता है जब हम अपने आप को कहें कि अच्छा बचपन में मैं क्या सोचता था, चाहे मैं अभी नहीं सोचता पर बचपन में मैं क्या सोचता था, तभी हम उस चीज पे ऊपर काम कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं रिलीजन ट्रॉमा होता क्या है, अगर मेरे को इसको डिफाइन करना हो तो रिलीजन ट्रॉमा हम किसे कह सकते हैं। सबसे पहले रिलीजन ट्रॉमा हम उसे कहते हैं द रिलीजन विच इज यूज्ड इन अ वे दैट थ्रेटन्स वन्स सेंस ऑफ सेफ्टी सिक्योरिटी एंड सेंस ऑफ सेल्फ। ऐसा ट्रॉमा जो रिलीजन के रूप में हमें बताया जाता है और जिसको समझने से हमें क्या होता है, हमें लगता है कि हमारी सेफ्टी सिक्योरिटी और अपने स्वमेव का जो हमारा जो आप जो हमारे लिए हमारी जो चेतना होती है स्वमेव के ऊपर, उसका हम छोड़ने लगते हैं सब कुछ, उसको छोड़ देते हैं क्योंकि हमें लगता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अगर मैं आज अच्छा काम नहीं करूंगा तो मैं सुरक्षित नहीं हूँ, यानी कि ये एक रिलीजन ट्रॉमा की तरह है कि अगर भगवान को पूजोगे तभी आपकी सुरक्षा है, तभी आपकी सिक्योरिटी है, तभी आपकी जो आप हो वो आप रह सकते हो, नहीं तो नहीं रह सकते। तो ये एक प्रकार का रिलीजन ट्रॉमा का डेफिनेशन है। एक और जिससे हम कहा जाता है कि जिस रिलीजन से हमारे भीतर शेम गिल्ट फियर डाला जाए वो भी रिलीजन ट्रॉमा कहा जाता है। जैसे बहुत सारे अगर जो लाइनें बोलते हैं, हम कहते हैं कि अगर तुम इनको फॉलो नहीं करोगे तो क्या होगा, तुम्हें नर्क में भेजा जाएगा, तुम्हें मरने के बाद एक खौलते हुए तेल के अंदर फ्राई किया जाएगा, और बहुत सारी शेम डाली जाती है कि तुम ये नहीं करते हो यानी कि तुम किसी चीज के भी काबिल नहीं हो, तुम समाज में रहने के काबिल नहीं हो। शेम गिल्ट बनाया जाता है कि अब फिर फियर डाला जाता है, गॉड फियरिंग, जैसे मैंने आपको बताया कि आप हम कितना पनिशमेंट से डरते थे भगवान की, कि भगवान की कहीं छड़ी ना हमें पड़ जाए। छोटे होते कहा जाता था कि अगर झूठ बोलोगे तो काली माता आएगी ले जाएगी तुम्हें। तो ये क्या है, ये शेम गिल्ट फियर वाली सिचुएशंस हमारे अंदर डाली जाती हैं, और अगर वो रिलीजन के थ्रू डाली जाए जब, तो उसे रिलीजन ट्रॉमा कहा जाता है। रिजिडिटी, रिजिड कंफॉर्मिटी, रिजिड कंफॉर्मिटी का मतलब होता है कि
जो बताया गया है केवल वही, उसके ना इधर ना उधर, जहां हो वहीं रहना है, किसी चीज से हिलना नहीं है, टस से मस नहीं होना। मतलब कि अगर आप एक टीचर से पढ़ रहे हो तो एक ही टीचर से पढ़ सकते। जैसे बहुत सारे सिस्टम में कभी कभी गुरु सिंड्रोम आ जाता है कि मैं एक बड़े पेडेस्टियल पे हूँ, तो वो बड़े पेडेस्टियल पे जब कोई बैठता है तो उनको क्या लगता है कि सब मुझे ही फॉलो करेंगे, आई एम गॉड। अगर उस चीज पे डाला जाए तो क्या होता है, वो रिजिड कन्फॉर्मिटी बन जाती है। जैसे किसी को लगता है केवल जो मेरे धर्म की किताबों में लिखा वही सत्य है, बाकी सब जीरो है, तो ये क्या है, रिजिड कन्फॉर्मिटी। कि आप किसी दूसरे धर्म के लोगों से बात नहीं कर सकते, आप किसी के सत्संग में नहीं जा सकते, आप किसी की किताब नहीं पढ़ सकते, आपको केवल अपनी ही धर्म की किताब पढ़नी है, आपको केवल अपने ही धर्म का प्रचार करना है, कोई और काम नहीं करना है। ये क्या है, रिजिड कन्फॉर्मिटी, दैट आपको एक तरह से बंद गए हो आप। जैसे हम बहुत बार लोगों से बात करते हैं, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम लोगों को लगता है कि मुझे वो दीक्षा वगैरह के सिस्टम में, हालांकि उसका अपना ब्यूटी है, पर कई लोगों को लगता है कि हम बंद जाएंगे, हमें बंधना नहीं है। तो वो बंधने वाली सिस्टम, जब कोई बंध जाता है तो उसे हम रिजिडिटी कहते हैं, रिजिड कन्फॉर्मिटी, कि आप अपने उस चीज से हिल नहीं सकते। क्योंकि लोग उस चीज से हिल नहीं सकते तो क्या होता है, फिर उन्हें हेल्पलेसनेस की फीलिंग होना और सोचना कि अब तो यही है, अब हमें यही करना है। तो इसे भी एक रिलीजन ट्रॉमा का रूप दिया जाता है। और अंत में जिसे हम कह सकते हैं अपहोल्डिंग द अथॉरिटेरियन फिगर, कि यानी कि जो टीचिंग है उस रिलीजन की, हम उसे भूल जाते हैं। आप देखेंगे हर रिलीजन की टीचिंग सेम है, हर रिलीजन की टीचिंग क्या है, गॉड इज वन। कोई भी आप रिलीजन उठाएंगे, हर की टीचिंग होगी गॉड इज वन। पर जब हम टीचिंग को छोड़कर टीचर को बड़ा बना देते हैं, तो फिर वो कभी कभी होता है कि हम रिलीजन, क्योंकि वो टीचर क्या, कभी कभी ऐसा अगर वो अपने पे अवेयर नहीं है तो क्या होता है, उनको लगता है कि जो मैं कहूंगा सिर्फ वही होगा। तो इसे भी हम अथॉरिटी फिगर्स इसे बहुत यूज करते हैं, कि जिनको लगता है कि मुझे अपनी पावर चलानी है, तो क्या होगा कि जो मैं कहूंगा केवल वही होगा, और किसी के साथ और को जो कोई कुछ कहेगा वो चीज नहीं होगी। तो इन सब चीजों को हम कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि ये रिलीजन ट्रॉमा के रूप में हम पर आती है। आगे शुभांगी आपको साइंस के बारे में बताएंगे। तो जैसे हितेश ने बताया कि रिलीजन ट्रॉमा क्या होता है, वैसे ही हमें कैसे पता चलेगा क्या साइन है रिलीजन ट्रॉमा के, अगर हम इसको इंट्रोस्पेक्ट कर सकते हैं कि कभी हमने भी ऐसा एक्सपीरियंस किया है या हमारे साथ भी ऐसा हुआ था, तो कहीं ना कहीं हम रिलीजन ट्रॉमा से निकले हैं। तो पहला जो साइन है रिलीजन ट्रॉमा का, वो है बिलीव दैट यू हैव कम फ्रॉम अर्थ टू पे योर सिंस। यस, कम ऑन अर्थ टू पे योर सिंस। हमें लगता है कि हम धरती पर बस अपने पापों को भुगतने के लिए आए हैं, हमें धक्का दे दिया गया है, हमें पनिशमेंट के जैसे हम लेते हैं बर्थ को, कि एक बस भुगत रहे हैं। लोगों के ऐसे वर्ड्स होते हैं कि अगर आप उनसे पूछेंगे कि कैसा चल रहा है, बस चल रहा है, भुगत रहे हैं, जो हो रहा है ठीक है। मतलब उनको लगता है कि बस आए हैं अपना काम भुगतने के लिए, अपने पापों को, जो हमने पाप किए हैं उनको भुगतने के लिए, उसका पश्चाताप करने के लिए हम ये हमारे जीवन में जो भी हो रहा है बस हो रहा है। तो ये भी एक साइन है रिलीजन ट्रॉमा का, अगर हम ऐसी विचारधारा रखते हैं कि सिर्फ पाप के लिए हम यहाँ पर आए हैं धरती पर, तो ये भी एक साइन है। और दूसरा साइन है कॉन्सेप्ट ऑफ सिन, हेल, पनिशमेंट आर फॉलोड टू द टी, कि ये जो कॉन्सेप्ट है नर्क का और हेल में आपको दे दिया जाएगा, पनिशिंग जो होता है पनिशमेंट का, तो क्या है, इसको पूरी स्ट्रिक्टली एज अ टी, मतलब बिल्कुल स्ट्रेट आपको इसको फॉलो करना है जीवन में। हमें बताया जाता है कि ये पुण्य है, ये पाप है, ऐसा करोगे तो आपके जीवन में ये सब होगा, आपकी
हेल्थ अच्छी नहीं रहेगी, वेल्थ अच्छी नहीं रहेगी, रिलेशनशिप अच्छे नहीं होंगे, गलतियां करना गुजारा नहीं होता, कि जैसे ही गलती कर दी मतलब एक और पाप कर लिया, अब इसका पश्चाताप करो। तो हमें लगता है हम जितनी गलतियां करेंगे उतने ही हमारे पाप बढ़ रहे हैं। तो क्या है ये? रिलीजन ट्रॉमा का साइन है। अगर हम ये कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में है नर्क का, हेल का और पनिशमेंट का, कि मैं एक पनिशमेंट के जैसे यहाँ पर आया हूँ, तो वो एक साइन है रिलीजन ट्रॉमा का। नेक्स्ट है कांट आस्क क्वेश्चंस, कि अगर आप किसी रिलीजन को फॉलो करते हो तो आप वहाँ पे क्रिटिकल नहीं हो सकते। क्रिटिकल इन द सेंस कि आप कुछ प्रश्न नहीं पूछ सकते, जो बताया गया है बस ब्लाइंडली आपको उसको फॉलो करना है। आप अपनी विचारधारा से या अपने विचार जो अंदर चल रहे हैं आप उन अथॉरिटी से पूछ नहीं सकते। अगर आप पूछोगे तो क्या होगा? पहले तो आपको शर्म आएगी कि वो बता रहे हैं और मुझे समझ नहीं आ रहा, या मेरे को शायद मेरी बुद्धि कम है कि मैं उसको समझ नहीं पा रहा हूँ, वो मेरे से ज्यादा ज्ञानी है, तो हम क्वेश्चन नहीं पूछते। और अगर दूसरा पूछते हैं तो हमें शन कर दिया जाता है कि तुम ये कैसे पूछ रहे हो, तुम मजाक उड़ाता है, और आसपास के जो लोग होते हैं रिलीजन वो कहते हैं अरे तुम्हें कैसा सवाल कर लिया, तुम्हें बुद्धि नहीं है, इतने बड़े ज्ञानी के सामने तुम उनसे क्वेश्चन कर रहे हो। यू नो, जो आप वो बोल रहे हैं बस आप उनको रिसीव कीजिए, उनसे प्रश्न मत करिए। तो ये भी एक साइन है रिलीजन ट्रॉमा का। और फिर आता है सुपरस्टिशन, जो कि हम बहुत ज़्यादा देखते हैं अपने कल्चर में, रिलीजन में, हर एक कल्चर रिलीजन में हमें सुपरस्टिशन मिलता है कि हम ब्लाइंडली फॉलो करते हैं, उसके पीछे का रीज़न नहीं समझते हैं। अगर हम नो डाउट हमें रिचुअल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट उसका एसेंस समझना बहुत ज़रूरी है, उसका साइंटिफिक रीज़न समझना बहुत ज़रूरी है। बट होता क्या है, जनरेशन टू जनरेशन, कंट्री टू कंट्री, रिलीजन टू रिलीजन, ये पास ऑन हो रहा है। और सोचिए कितना अडल्ट्रेटेड हो रहा है। आपने वो चाइनीज विस्पर आपने गेम देखी है ना, कैसा होता है कि एक जना एक कान में कुछ कहता है और 100 जनों तक वो बात पहुंचती है, तो उस बात का क्या बन जाता है? वही है ये सुपरस्टिशन, कि एक कहीं से कुछ चला बट वो कुछ और ही बन के हम उसको फॉलो करते जा रहे हैं, ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हैं, उसके पीछे का रीजन नहीं समझ रहे हैं। जैसे हितेश ने शुरुआत में कहा कि मंगलवार को बाल नहीं काटने, संडे को तुलसी को पानी नहीं देना, क्यों नहीं देना? रीजन है कुछ इसका? है, पर हमें नहीं पता, बस हमें कहा गया और हम कर रहे हैं। सिर नहीं धोना थर्सडे को, ट्यूसडे को ये नहीं करना है, वहां नहीं जाना है, बिल्ली रास्ता काट गई वापस हो जाओ, कुछ बुरा होने वाला है। क्या है ये? ये सुपरस्टिशन है। उस एनिमल बेचारी का क्या दोष जो हम उसके ऊपर ये डाल दें कि वो रास्ता काटेगी तो मेरा गलत होगा? बस हमें एक सुपरस्टिशन जैसी चीज मिल गई कि अच्छा इस चीज को इस चीज से रिलेट कर दो, रीजन नहीं पता और हम उसको फॉलो कर रहे हैं। तो ये क्या है? ये भी एक साइन है रिलीजन ड्रामा का। देखिए, आत्मा को जानने के लिए हमें बुद्धि चाहिए होती है, छोटी वाली बुद्धि नहीं, दिव्य बुद्धि, यानी कि हायर बुद्धि, हायर इंटेलेक्ट। आत्मा को जानने के लिए बुद्धि चाहिए। पर जब हम कोई काम करते हैं और उसके थ्रू आत्मा को जानने का प्रयास करते हैं और बीच में बुद्धि नहीं है, तो वो क्या होगा? अंधविश्वास। सो एब्सेंस ऑफ बुद्धि इज अंधविश्वास। आप अगर उसमें बुद्धि नहीं लगाएंगे और उसको आंख बंद करके करते जाएंगे तो वो अंधविश्वास बनेगा, और यही हमें आगे उस चीज में रोकता है। फिर समझ नहीं आता हम कैसा क्यों कर रहे हैं। फिर एक समय ऐसा आएगा जब हमें लगेगा कि ये 10 साल तो वेस्ट कर दिए, क्योंकि कॉमन सेंस नहीं लगाई, अंधविश्वास में लगे रहे। तो नेक्स्ट साइन है अथॉरिटी फिगर्स यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड टू मैनिपुलेट पीपल फॉर सेल्फ सर्विंग पर्पस। कि जिस भी रिलीजन को आप फॉलो करते हो, जो वहाँ पे अथॉरिटी होती है, वो क्या करती है, जो गॉड का जो कॉन्सेप्ट है उसको मैन्युपुलेट करके जस्ट टू कंट्रोल पीपल, उनको
सर्विस, यू नो सर्विस पर्पस, उनका पर्पस सॉल्व होता है कि वो एक गॉड एक ऐसी अथॉरिटी बना देते हैं जैसे फियरिंग अथॉरिटी है, और वो ऐसा बोलते हैं कि मेरा ही कनेक्शन है भगवान के साथ और मैं आया हूं आप सबको तारने के लिए, और आप में वो शक्ति नहीं है, आप तो अभी बहुत काम करने की जरूरत है, बहुत पाप है, आपको ये सब करना होगा फिर जाके आपको एनलाइटनमेंट मिलेगा। तो क्या है, हमें ये बताए मैन्युपुलेट किया जाता है ये गॉड कॉन्सेप्ट के बारे में, हमें हमेशा गॉड को एज अ फियरिंग एनर्जी देखा जाता है, अनअप्रोचेबल है ना, अनअप्रोचेबल, कि हमें फील किया जाता है कि इतने हमें गिल्टी फील होता है कि हम तो अनवर्दी हैं, हमारा कैसे कनेक्शन गॉड के साथ हो सकता है, हम तो बहुत तुच्छ प्राणी हैं, हमें तुच्छ फील कराया जाता है। और ये बताया जाता है कि कोई और ऐसा बीइंग आएगा जिसके अंदर बहुत जिनके पावर होगी, वो ही हमें इस नाव से, इस नदी से पार करा सकता है क्योंकि हम नहीं पार कर सकते। तो क्या है, कहीं ना कहीं मैन्युपुलेट किया जाता है ये कॉन्सेप्ट को, जो ये गॉड कॉन्सेप्ट है, कांट लर्न फ्रॉम अदर्स। ऑलरेडी हितेश ने बताया है कि रिलीजियस ट्रॉमा क्या होता है, रिजिडिटी, कि आप किसी और को नहीं फॉलो कर सकते, आपको जो बताया गया है आपको उन्हीं से ही, उन्हीं लोगों से ही सुनना है, उन लोगों के साथ ही रहना है, वही बात सच है, वही ट्रुथ है, उनको लगता है वही सच्चाई है, तो वो किसी और चीज से नहीं, किसी और कल्चर से हम सीख नहीं सकते, हम इतने रिजिड हो जाते हैं कि जो हमारी किताबों में लिख दिया यो, हमें बता दिया गया वो ही सत्य है और सब सत्य नहीं है। तो कांट लर्न फ्रॉम अदर्स। और नेक्स्ट साइन है एडमेंट अबाउट व्हाट इज टॉट, और हम इस चीज के लिए बहुत एडमेंट हो जाते हैं, बहुत रिजिडिटी आ जाती है हमारे भीतर, अगर हमें वो कॉन्सेप्ट भी पता चल गया, आप एक रिलीजन एक स्पिरिचुअली भी हो गए तो उनके अंदर भी एडमेंट आ जाती है कहीं ना कहीं, उनको लगता है कि जो मेरे को सिखाया गया, जो मैंने सीखा है वो ही सही है ना, और जो मेरे को बताया गया है, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है वो ही सत्य है और दूसरा सत्य नहीं है। तो ये भी कहीं ना कहीं हमारी साइन दिखाता है रिलीजन। इसे हम कट्टरवादी भी कहते हैं, कि हम कट्टर बन जाते हैं कि जो हमारे को बताया दैट इज द ओनली ट्रुथ, हम कल्ट के साथ पूरा जुड़ जाते हैं कि यही हमें बताया गया है और यही सत्य है। तो ये है साइन ऑफ रिलीजन ट्रॉमा। तो दोस्तों हम हीलिंग, इसकी हीलिंग कैसे कर सकते हैं, इस रिलीजन ट्रॉमा से बाहर कैसे आ सकते हैं, तो इसके लिए हम जो पॉइंट्स आपके लिए सोच पाए, अंडरस्टैंडिंग द ट्रू नेचर ऑफ सेल्फ, तो अपने सही स्वरूप को जानना, अपने सही स्वरूप को जानना बहुत जरूरी है। अगर आप अपनी ट्रू नेचर नहीं समझेंगे तो क्या होगा, हमें फिर रिलीजन एक, जिसे हम कहते हैं कि एक बहाव की तरह, पानी के बहाव की तरह, जैसे एक आप एक कागज की बोट हैं, जिस तरफ पानी का बहाव जाएगा आप उस तरफ इधर उधर इधर उधर आप गोते खाते फिरेंगे। तो इसीलिए अगर हमें सेंटर्ड होना है, अगर हमें थमना है, तो हमें अपनी ट्रू नेचर को जानना बहुत जरूरी है, अपनी ट्रू अंडरस्टैंडिंग को। ये आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आपको किसी चीज में डिवोशन होना बहुत जरूरी है, आप साइंटिफिकली भी अपनी अंडरस्टैंड कर सकते हैं अपनी नेचर, इफ यू आर अ लॉजिकल पर्सन। सो हमारे एंशियंट टेक्स्ट हमेशा ये कहते हैं कि कोई जरूरी नहीं है कि आपको केवल भक्ति मार्ग से ही अपने आप को जानना है, आप साइंटिफिक रीजनिंग से, लॉजिक से, डिसिप्लिन से भी आप अपनी अंडरस्टैंडिंग को पिक कर सकते हैं। तो हमारी ट्रू नेचर क्या है, इस चीज को क्वेश्चन करना, अगर हम क्वेश्चन नहीं करेंगे तो समझ नहीं पाएंगे। और जैसे मिट्टी से बहुत तरह की चीजें बन सकती हैं, मिट्टी से आप बर्तन बना सकते हैं, मिट्टी से आप घड़ा बना सकते हैं, मिट्टी से आप यू नो कड़छी बना सकते हैं, मिट्टी से आप एक एक वास बना सकते हैं, किसी की मूर्ति बना सकते हैं। इसी प्रकार से आदमी भी ये सब मूर्ति, वास्क, कड़छी, स्पून, ये सब है। मेन इंग्रेडिएंट हमारा क्या है, मिट्टी, और वो मिट्टी क्या है, मेन इंग्रेडिएंट, यानी कि दैट सुप्रीम फोर्स इज द मेन इंग्रेडिएंट। ये पेन है,
ये पेन, इसको पेन किसने बनाया? इस पेन को पेन किसने बनाया? इस पेन को पेन इसके सिक्के ने बनाया, इसके रिफिल ने बनाया। अगर मैं इसका रिफिल बाहर निकाल दूं तो क्या वो पेन बनेगा? ये पेन रहेगा? पेन रहेगा ही नहीं। तो आपके अंदर ऐसा मेन इंग्रेडिएंट क्या है इस सिक्के की तरह, जिसको आप बाहर निकाल दो तो आप नहीं रहोगे? वो है हमारी चेतना, हमारी कॉन्शियसनेस, हमारा आत्मन। सो हमारी रियल नेचर क्या है? आत्मन की नेचर है। तो अगर मेरे अंदर आत्मन है तो इस पेन के अंदर भी है, शुभांगी के अंदर भी है, इस लैपटॉप में भी है, आप में भी है, इस चेयर में भी है, सब जगह पे है। जहां पे कुछ नहीं भी है वहां पे भी आत्मन है, यानी कि। तो अगर आत्मन सब जगह पे है तो आत्मन दूसरे रिलीजन में कैसे नहीं हो सकता? आत्मन किसी और के विचार में क्यों नहीं हो सकता? तो ये नेचर ऑफ सेल्फ है। नेचर ऑफ सेल्फ का मतलब हुआ कि ये आत्मन है जिसने आकार लिया पेन का, जिसने आकार लिया हितेश का, जिसने आकार लिया नीता जी का, जिसने आकार लिया ममता जी का और किसी का, जिसने आकार लिया कोई ऐसा जन जो कोई अपना धर्म फॉलो करता है। पर नेचर तो सबका सेम है, तो सब बने हुए मिट्टी के। दिस इज द रियल नेचर। अगर हम अपनी रियल नेचर को जानते हैं दोस्तों, तो होगा क्या है? जो हमारा ये जो फाइट रहता है ना, मैं ऊपर, मेरा ऊपर, तुम्हारा नीचे, ये सब खत्म हो जाएगा। भगवान कृष्ण अपनी वाणी में कहते हैं, सोल का सबसे हाईएस्ट वर्च्यू होता है समभाव, इक्वानिमिटी। अगर हमें हमारा रिलीजन इक्वानिमिटी नहीं सिखा रहा, अगर आप जो भी फॉलो कर रहे हैं उसमें इक्वानिमिटी नहीं आ रही, समानता नहीं सिखाई जा रही, तो हम नहीं सीख रहे। क्योंकि सबसे टॉप मोस्ट लर्निंग यही है, समानता तब है जब आप इस आंखों से नहीं, आप उस आंख से देखोगे जो बताती है कि इसके अंदर भी वही है जो मेरे अंदर है। वो किसी और वर्ल्ड से थोड़ी आया है कि उसको कोई और मैनेज कर रहा है। उसका भी परम शक्ति फोर्स वही है, सुप्रीम बीइंग उसे भी मैनेज कर रहा है, उसके अंदर, मेरे अंदर भी वही। तो जब हम अपनी रियल नेचर को समझते हैं दोस्तों, और इसकी शुरुआत कहां से होती है? खुद से। अपनी रियल नेचर को समझेंगे तो हम अपने आसपास की रियल नेचर को समझ पाएंगे। इसीलिए आप देखें कितने अच्छे तरीके से हम अपनी रियल नेचर को समझते हैं जब हम खुद ध्यान करते हैं, खुद मेडिटेट करते हैं। किसी से हम फीडिंग नहीं लेते हैं। हाँ ठीक है, दूसरे के अनुभव सुनते हैं, पर रियल अनुभव वो होता है जब आपके अंदर से वो चीज निकले, आपको समझ आए कि हाँ ये मेरी ट्रू नेचर है। चाहे वो एक सेकेंड के लिए जागे, पर वो जागे। दैट इज द ट्रू नेचर। और जितना हम अपनी ट्रू नेचर को जानेंगे, उतना उतना हम अपने रिलीजन ट्रॉमा को हील करते जाएंगे, उतना उतना हमें स्पष्ट होता जाएगा कि क्या सत है और क्या असत है। और सेकंड जो पॉइंट है जिससे हम हील कर सकते हैं रिलीजन ट्रॉमा को, वो है लर्न टू ट्रस्ट योर ओन इंस्टिंक्ट्स। कि हमारे भीतर जो ये आवाज आती है, जिसको आप इंट्यूशन कह लीजिए, या भीतर से एकदम से एक कोई थॉट आ जाना, कोई विचार आ जाना, तो उस पे आपको विश्वास रखने की जरूरत है। क्योंकि वही जो ये आ रहा है इंस्टिंक्ट, ये आपकी ट्रू नेचर से ही आ रहा है। आप जब भी देखा होगा कि अगर आप कुछ प्रश्न भीतर अंदर चल रहे हैं और बाहर से आपको कहीं कोई मैसेज मिल जाता है, या कोई किताब मिल जाती है, या मेडिटेशन का कोई पैम्फलेट मिल जाता है, और आप इंस्टेंट उसको फॉलो कर लेते हो कि ठीक है मैं जाके देखता हूँ, तो क्या है, आपने उस पे ट्रस्ट किया अपने इंस्टिंक्ट पे, और आप वहां चले गए, और जिससे आपका जीवन बदल गया। तो ये क्या है कि आप अपने भीतर जो शक्ति है उस पे आप ट्रस्ट कर रहे हैं, उसकी आवाज सुन रहे हैं, और वैसे आप फॉलो करने लगते हैं। तो क्या होता है रिलीजन ट्रॉमा, क्या होता है, हमें हमेशा बाहर ही
आउटर वर्ल्ड पे फोकस रखता है कि बाहर के लोग जो कह रहे हैं वो सत्य है, जो तुम्हारे अंदर से आवाज आ रही है उसको बंद कर दो, वो ठीक नहीं है। पर हम तभी हील कर सकते हैं जब हम अपने भीतर की इस आवाज के साथ, अपने ट्रू सेल्फ के साथ हम कनेक्ट हो और उसके थॉट जो भी हो रहा है, महसूस हो रहा है, उसको हम महसूस करें करें, उस पर एक्शन लेना जरूरी है। तो जैसे ही हम एक्शन लेंगे, उस पर काम करेंगे, उस पर विश्वास रखेंगे, हम आगे बढ़ेंगे, हमारी जीवन की यात्रा और अच्छी बनेगी, हम उस पर चलते रहेंगे। तो ये सेकेंड पॉइंट है जिससे हम हील कर सकते हैं। और थर्ड है सेल्फ इंक्वायरी। अब होता क्या है कि हम जब हम किसी चीज को पकड़ लेते हैं तो हम आंखें बंद करके उसके पीछे हो जाते हैं। सेल्फ इंक्वायरी, अपने अंदर प्रश्न नहीं करते, ऐसा क्यों, ऐसा अच्छा ऐसे क्यों। जब तक हम ये प्रश्न नहीं करेंगे तब तक हमारे अंदर इनर ग्रोथ, क्यूरियोसिटी नहीं पैदा होगी अपनी रियल सेल्फ को जानने की। सो क्वेश्चंस कैन लीड अस टू यू नो क्लोजर टू अंडरस्टैंडिंग आवर ट्रू नेचर, कि जो हमारे प्रश्न हैं हमें पास लेकर जा सकते हैं अपने सही स्वरूप के। तो अपने आप को अनुमति दे, अगर मैं ये कर रही हूं तो ऐसा क्यों कर रही हूं, इससे क्या होगा, अपने आप को कहें। जब आप अपने आप को प्रश्न करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप क्या कर रहे हैं, आप उसको टटोल रहे हैं अपने भीतर, आप उसका एनालिसिस कर रहे हैं, वेइंग कर रहे हैं। और ये सेल्फ एनालिसिस से हमें बहुत क्लैरिटी अपने लिए डेवलप हो सकती है। बहुत बार हम मतलब कि यू नो जिसे कहते हैं कि भेड़ चाल में जाते हैं, कि ज्यादा लोग इसमें जा रहे हैं चलो हम इधर चले जाते हैं। नहीं, अपने से पूछे मुझे किधर जाना है, मेरा क्या रास्ता हो सकता है, वो मेरे लिए क्या बनाया है। ऐसा थोड़ी है कि सब कोई ये काम कर रहे हैं उनका ये उद्देश्य है तो मेरा क्या उद्देश्य होगा। भेड़ चाल नहीं, अलग भी रह सकते हैं। अगर आप में अलग रहने की शक्ति तब आएगी जब आप सेल्फ इंक्वायरी रखते हैं। और यू नेवर नो, आपको अलग देख के आपकी दृढ़ता से वो लोग भी थोड़ा सा बाहर आके, जो भेड़ चाल में लगे हुए हैं वो भी बाहर आके खड़े हो जाएं कि हाँ हम भी कर सकते हैं ऐसा। तो ऐसे लोगों की आवश्यकता है जो अपने मन की, दिल की आवाज सुने और उस चीज पे चले। मुझे याद है जब इनिशियल टाइम्स में 2010 में एक बार डॉक्टर लक्ष्मी से मैं बात कर रहा था, डॉक्टर लक्ष्मी ने मुझे एक इतनी बड़ी मैंने उनको चीज बोली और उन्होंने सिर्फ मेरे को एक चीज बोली और उन्होंने कहा फॉलो योर हार्ट, और सारा आंसर वहीं पे खत्म हो गया। दोस्तों ये फॉलोइंग माय हार्ट ही है जो हम अब तक यहाँ पे हैं जहां जा रहे हैं। तो हार्ट उसकी वॉइस को कभी मारे नहीं, जिसे शुभांगी ने इनर इंस्टिंक्ट कहा है, उसको सुने, उस पर अपना थोड़ा कान लगाएं, देखें कि क्या अंदर से आवाज आ रही है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है अलाउ वन सेल्फ टू एक्नॉलेज दैट वी आर नॉट द पपेट्स ऑन एनीवन्स हैंड, कि हम वो कठपुतली नहीं है कि कोई हमें चला रहा है, हमारा जीवन जो है ये हमने ही क्रिएट किया है, हम ही उसी के डायरेक्टर हैं, एक्टर हैं, विलन हैं, सब कुछ हमने ही क्रिएट किया है। बट रिलीजन हमें क्या सिखाता है कि नहीं, तुम नहीं हो, हम तुम्हें चलाने वाले हैं, ये कोई पावर है जो तुम्हें चला रही है, आउटसाइड ऑफ यू। तो हमेशा हमें लगता है कि हम नीचे हैं और हमसे ऊपर भी एक पावर है जो हमें कंट्रोल कर रही है, हमारे जीवन को चला रही है, और हम बस उस पे चल रहे हैं, बह रहे हैं, जहां ले जाएगी वहां चले जाएंगे, इधर जाएंगे इधर, इधर कोई कंट्रोल नहीं है, रिमोट हमारे हाथ में नहीं है। तो बट हम हील कैसे कर सकते हैं, जब हम अपने जीवन की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लें और हम ये माने क्या हम करते ही हैं कि हम ही क्रिएट करते हैं अपने जीवन को। और रिलीजन जो ये है, आपको जो ट्रू रिलीजन मैं कहूंगी वो होगा जो आपको हेल्प करेगा अपलिफ्ट होने में,
जो मेन पर्पस रिलीजन का क्या होता है, जो आपके माइंड आपकी बॉडी को अपलिफ्ट करे, जो आपको बताए कि देर इज दिस पर्पस ऑफ जॉय इज देयर इन लाइफ, कि यहाँ पे जीना एक खुशहाल जीना है, वो आपको बांध के नहीं रखेगा, आपको खुशी बताएगा, आपको अपने स्वयं से जोड़ेगा, और वो बताएगा कि जिससे तुम जुड़ रहे हो वो ही सब में है, वो ही आपकी ट्रू नेचर है, हम सबका एसेंस यही है, प्यार, हम उसी सोर्स से आए हैं। तो कैसे वो सोर्स इतना फियरिंग पनिशिंग हो सकता है जब उसकी नेचर ही क्या है, ट्रू नेचर क्या है सोर्स की, प्यार है। तो क्या वो प्यार जिससे हम डर रहे हैं, क्या वो डर करेगा कि नहीं तुमने ये गलत करा तो मैं इसको प्यार करूंगा, इसको नहीं प्यार करूंगा, उनकी तो नेचर ही प्यार की है, तो वो आप जैसे हो वैसे ही प्यार करती है वो नेचर। तो यही हम जाने, और हम जब ये समझ जाते हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं हमें ये इग्नोरेंस, ये जो गिल्ट आती है कि जो भी हमने ये ट्रॉमा सुने रिलीजन ट्रॉमा में, कि हमें गिल्ट आती है क्योंकि हम इग्नोरेंस है, बुद्धि नहीं है, बुद्धि का इस्तेमाल नहीं कर रहे हम, तो हमें गिल्ट आती है और हमें लगता है कि हाँ जी कोई बड़ी पावर है। पर जब हम ट्रू नेचर समझ जाते हैं सोर्स की, तो हमें पता चलता है कि वो सिर्फ मेरे में नहीं है, वो हर एक इंसान और हर एक चीज में भी वही है जो मेरे में है। फिर हम कुछ सेपरेट नहीं करते कि ये तेरा मेरा वाली बात हो गई, सब हम एक बन जाते हैं। तो ऐसे ही हर रिलीजन एक बन जाता है जो आपको अपलिफ्ट करे, आपको मोटिवेट करे, अपने आप से जोड़े, आपके ट्रू एसेंस को बताए कि आप कहाँ से आए हो, क्या पर्पस है आपका, हम सब इस पर्पस के लिए आए हैं। तो ऐसे हम हील कर सकते हैं अपने लाइफ का, यू नो, ड्राइविंग सीट पर आप ही बैठे हैं, आप ही गाड़ी चला रहे हैं, ये हमें रियलाइज करना है। तो यस, तो दोस्तों इसके अलावा जैसे हम अपने से क्वेश्चन करते हैं और कहें कि जैसे आप सबने, बहुत सारे लोगों ने अपना लिखा कि चाइल्डहुड में मुझे क्या लगता था, लोग कुछ और कहते थे पर मुझे ये लगता था कि गॉड मेरे फादर की तरह है, मेरे मदर की तरह है। तो अब आप खुद सोचिए, क्या कोई फादर मदर हो सकता है अपने बच्चे को जानबूझकर पीड़ा दे? तो ये सेल्फ इंक्वायरी, क्योंकि जब तक आप ये प्रश्न नहीं पूछेंगे तब तक जो झूठ है वो गिरेगा नहीं, वो खड़ा रहेगा, हम फिर वही आंख बंद करके वो काम करते रहेंगे। तो इन चीजों के माध्यम से जब हम ध्यान करते हैं, अपने ध्यान के गहराई की स्टेट में जाकर अपने आप से प्रश्न पूछें, दिस इज हाउ आई डू, मैं अपने प्रश्नों के उत्तर कैसे लेता हूं। हम ध्यान की एक गहराई की स्पेस में जाते हैं और जब उस गहराई की स्पेस में पहुंचते हैं, हमें पता चलता है कि अब कुछ नहीं चल रहा है, यहाँ पे खाली हो गया, तब हम उस प्रश्न को आने देते हैं। फिर उस समय जो समझ आता है, जो अंदर से आवाज आती है, जो कुछ भी अंदर से इंफॉर्मेशन आती है, उसको हम पकड़ते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि बस पकड़ लिया और फिर हम उसको भी एनालाइज करते हैं, यू नो, इमीडिएटली नहीं, अपने जीवन में आने के बाद थोड़ा एब्जॉर्ब करते हैं कि जो इंफॉर्मेशन आई है उसका मतलब क्या है, उसको एब्जॉर्ब करें। हेल्दी स्केप्टिक होना अच्छी बात है, थोड़ा देख सकते हैं कि अच्छा ये ऐसा आंसर क्यों आया। जब मैं सुंदरम के साथ जब काम करते हैं तो मैं पूछता, मेरे को अंदर से आता ऐसा क्यों है, तो मैं थोड़ा समय लेता उस चीज को एब्जॉर्ब करने में कि हाय लिख तो रहा हूं पता नहीं बट ऐसा कैसे। तो धीरे धीरे जब आप उस चीज को एब्जॉर्ब करेंगे, समझेंगे, तो आपको फिर अपने आप ही ये क्लियर होने लग जाएगा, साफ क्या क्या है, क्या करना है। नहीं तो क्या है, हम एक प्रपंच में अटक जाते हैं कि भैया भगवान शंकर को तो पंचामृत ही चढ़ेगा और इस फलाने बंदे का ही घी चढ़ेगा, अगर शुद्ध नहीं होगा तो भगवान पता नहीं कौन सा त्रिशूल मेरी तरफ निकाल देंगे अपना। तो ये अटक गए हम वहां पे, फिर अगर वहां पे अटक गए फिर जो आप पाना चाहते हैं उससे वो नहीं होगा, क्योंकि आप वहां पे अटक गए हैं, उसमें रिजिडिटी में चले गए हैं, जकड़ लिया है उस प्रपंच ने आपको।
उससे निकलना है, उसको समझना है कि अगर हम भगवान पर एक एक धार से जल चढ़ाते हैं उसका मतलब क्या है। एक धार से जल चढ़ाने का मतलब होता है एक धार बनाना, यहाँ पे फोकस। जब आप एक धार बनाते हैं आपका सारा ध्यान उस धार पर जाता है ना, तो दैट इज मेडिटेशन। तो जब हम मेडिटेशन करते हैं हम ऑटोमेटिकली एक डायरेक्ट कनेक्शन में जाते हैं, रादर देन यूजिंग एनी वन। किसी की जरूरत नहीं है, हम में वही शक्ति है जो सब में है। हाँ, लोग हमें गाइड कर सकते हैं, लोग हमारे मेंटोर्स बन सकते हैं, हमारे टीचर्स बन सकते हैं, बिल्कुल बन सकते हैं, पर हम डायरेक्ट कनेक्शन भी बना सकते हैं उनसे, सीखकर उनसे समझकर एक एक सीरियसनेस लाकर अपने भीतर। हम डायरेक्ट, वी कैन हैव डायरेक्ट इंटरेक्शन, वी डोंट नीड एनी इंटरमीडिएटरी, कोई बीच में नहीं चाहिए। आप अपनी पर्सनल कनेक्शन बना सकते हैं भगवान। जी, जैसे हितेश कह रहे हैं, मुझे एक इंसिडेंट याद आ रहा है कि डायरेक्ट कनेक्शन का। हमारी जब 2011 में नई नई शादी हुई थी, तो हितेश हर ट्यूसडे हनुमान जी के मंदिर जाते थे, और तब हितेश 6 days वर्किंग थे, तो उस दिन हर मंगलवार वो थोड़ा ऑफिस से लेट आते थे, मंदिर जाते थे और फिर आते थे। और थोड़े दिन बाद हितेश थोड़ा कम जाने लगे, हर मंगलवार नहीं जाते थे, बीच में जाना शुरू करा। और एक दिन मैं भी हितेश के साथ चली गई, मैंने बोला मैं भी चलती हूँ मंदिर। तो मैं गई और वहां पे प्रीस्ट, जो वहां के पंडित जी थे, उन्होंने हमें देखा, तो उन्होंने हितेश की तरफ देखा, बिकॉज हितेश रोज जाते थे तो वो जानते थे। तो उन्होंने बोला हितेश को कि अच्छा, शादी हो गई है तभी आप कम आते हैं हर मंगलवार। तो मतलब आप कनेक्शन, बिकॉज हितेश और हम मेडिटेशन करना स्टार्ट किया, और अंदर से हितेश को ये इंसाइट आया, जैसे कि जो शक्ति मैं बाहर पूछ रहा हूँ, मैं मेडिटेशन में भी उसके साथ कनेक्शन बना सकता हूँ, मुझे फिजिकली करने की जरूरत नहीं है वहां पर जाना और करना। वो भी देखो, पावर स्पॉट होते हैं टेम्पल्स, आप वहां जाके मेडिटेट जरूर करें, मैं ये कहूंगी। वो पावर स्पॉट है वहां की वाइब्रेशन, क्योंकि इतने लोग वहां जा रहे हैं, प्रेयर्स कर रहे हैं, और वहां पे जो भी एनर्जी तो है ना, हर जगह पे ऊर्जा है, तो घर बैठ के भी हम उस ऊर्जा के साथ कनेक्शन बना सकते हैं। बट पंडित जी ने कैसे रिलेट किया, और एक फियर के जैसे कि अब तुम आ नहीं रहे हो क्योंकि तुम्हारी शादी हो गई है, तो अब तुमने आना कम कर दिया कि है, आप, यानी कि तुम्हारा भगवान से मतलब जो है कि वो पूरा अब हो हाँ, कि मतलब गया। कंडीशन बेस्ड था आपका आना, शायद कि आप शायद सोच रहे थे कि सब कुछ अच्छा हो जाए तो आप प्रे करने आते थे, अब हो गया है तो आप नहीं आते हो। तो क्या है कि हम सेल्फ इंक्वायरी, हम अपने आप से ये प्रश्न नहीं पूछते, अपने साथ बैठते नहीं है, और सुपरस्टिशन के जैसे, फियर के जैसे उसको फॉलो कर रहे हैं, और फिर हम उससे रिलेट भी करते हैं कि अच्छा, देखा मैं गया नहीं था तो ये काम मेरा बन नहीं पाया, तो मुझे जाना है जाना है, तो हम बस फॉलो कर रहे हैं उस चीज को। तो सेल्फ इंक्वायरी फ्रेंड्स बहुत जरूरी है, अपने आप के साथ बैठना और प्रश्न करना जीवन में, क्योंकि जहां से प्रश्न आ रहा है उसके साथ उत्तर उसके साथ ही है। जैसे ताला बनता है ना, ताले के साथ, ऐसा कोई ताला देखे जिसकी चाबी ना हो, या वो ताला चलता हो? नहीं है ना। ताला है तो चाबी भी उसके साथ ही बनी है। सेम वे, अगर प्रश्न है तो उत्तर भी है, और आप ही के भीतर है प्रश्न जो उठा है, उसका उत्तर भी आप ही के अंदर है। जस्ट हमें उसके पेशेंटली, धैर्य के साथ उसके साथ बैठना है और देखना है कि क्या उत्तर आता है। और दोस्तों इसके साथ, जब अगर हम ज्यादा रिलीजन ट्रॉमा से अफेक्टेड हो जाते हैं, जब अपने लिए किसी चीज को पकड़ लेते हैं और हमें लगता है यही विचारधारा सही है, तो इसके कई कॉन्सिक्वेंस भी होते हैं। कॉन्सिक्वेंस इन द सेंस कि इसका कोई प्रभाव भी हमारे जीवन में और हम दूसरों के जीवन में भी डालते हैं। ऑफकोर्स ऐसा व्यक्ति जब किसी से बात करेगा, आप समझ सकते हैं कि दूसरों को भी टच कर करके वो चीज डालता जाएगा, देता जाएगा। तो एक टर्म है जिसे हम कहते हैं स्पिरिचुअल ईगो। स्पिरिचुअल ईगो कि जब हमें लगता है कि हम कुछ सीख गए हैं, हमने कुछ जान लिया है, हमें अब हमारे पास प्रश्नों के उत्तर हैं, तब हमारे भीतर ईगो धीरे दबे पांव एंटर करती है।
और ये ईगो हमें बताती है कि मैं 20 साल से ध्यान कर रहा हूँ, मेरे को तो बहुत अच्छे अच्छे एक्सपीरियंसेस रहे हैं, मैंने इतनी किताबें लिख दी हैं, ये सारा क्या है? ईगो, क्योंकि हम अपनी रियल नेचर भूल गए हैं। स्पिरिचुअलिटी में देर इज नोबडी हु इज अहेड और बिहाइंड, एवरीबडी इज इन द इक्वल स्टेज, एवरीबडी इज ट्रीटेड इक्वली। जैसे आप में से अगर कोई पिरामिड वैली GCSS गया हो, वहां पे जब खाना की लाइन लगती थी, वहां पे टीचर पढ़ाने वाला और खाने वाला पढ़ने वाला सेम लाइन में, आप वेट कर सकते हैं। अगर आपके आगे कोई 10 स्टूडेंट खड़े हैं, आप टीचर हैं, आप पीछे खड़े रहिए, इक्वल, दैट इज इक्वालिटी। कि और अगर आप में अंदर वो स्पिरिचुअल ईगो आना शुरू हो जाएगा तो क्या होगा, उसकी जो बू है वो फटाफट सूंघी जा सकती है, पकड़ी जा सकती है, और बड़ी कभी कभी बहुत सटल लेवल पर चलती है ये। तो अपनी अगर स्पिरिचुअल ईगो को भी हील करना है, हमें बार बार अपनी रियल नेचर पर आते जाना है, बार बार। यू हैव टू ईव, चाहे हमें 1000 बार अपने आप को पूछना पड़े, बार बार पूछना पड़े, मैं कौन हूं, क्या ये मैं किताबें हूं जो मैंने लिख दी हैं, बेस्ट सेलर्स लिख दी हैं, क्या ये मैं 20 साल का एक्सपीरियंस है मेडिटेशन का जो मेरा है, क्या ये मैं हूं। अपने से पूछिए, अपनी ईगो खुद चॉप करिए, उसे काटिए, क्योंकि जब अपनी ईगो कटेगी तब हम अपने रियल नेचर में पहुंचेंगे। शास्त्र इसे नेति नेति कहते हैं, मैं ये नहीं, मैं ये नहीं, ये नहीं कि मैं ये हूं। अगर अपने सही स्वरूप तक पूछना है तो आपको ये पूछना है, मैं क्या नहीं हूं, मैं शरीर हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, मैं इमोशंस नहीं हूं, मैं अन्नमय नहीं हूं, मैं मनोमय नहीं हूं, मैं प्राणमय नहीं हूं, मैं विज्ञानमय नहीं हूं, तो मैं क्या हूं। जब हम ऐसा पूछेंगे तब हम कट्टे 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 अपनी रियल नेचर तक पहुंचेंगे। तो अभी हम कुछ थोड़ा प्रश्न ले सकते हैं, अगर किसी का कोई प्रश्न है, नहीं तो फिर हम आज ध्यान करेंगे। चलिए दोस्तों, अभी ध्यान करते हैं हम। सुखासन में बैठ जाइए। तीन गहरे लंबे सांस लेते हुए नाक के द्वारा लेकर एक क्षण मात्र के लिए अपने भीतर रोककर मुंह से बाहर जाने दीजिए। अपना सारा ध्यान अपनी आती जाती सांस पर केंद्रित करें। अपनी नॉर्मल नेचुरल ब्रेथ पर आ जाए। हर अंदर आती सांस आपके शरीर में ला रही है शांति। और हर बाहर जाती हुई सांस आपके शरीर से बाहर लेकर जा रही है कोई भी डिस्कम्फर्ट, कोई भी नर्वसनेस,
शांति में प्रवेश कर रहे हैं आप। भीतर की ओर जा रहे हैं आप। शरीर पूरी तरह से शांत हो गया है, मन में उठ रहे विचार धीरे धीरे थम रहे हैं। आज के ध्यान में हम अपने सही स्वरूप से जुड़ेंगे, उसके निकट जाएंगे। सूखे पत्ते के समान जो हमारा सही स्वरूप नहीं है उसको छोड़ेंगे। सबसे पहले अपना ध्यान अपने शरीर पर, आपकी आसपास की चीजों पर, आपकी कमाई हुई पूंजी पर, कैसी व्यवस्था आपने अपने जीवन में बनाई है, खुद को यह पूछते हुए, क्या ये मैं हूं? मेरा नाम, मेरी दौलत, मेरी शोहरत, मेरी कमाई हुई चीजें, क्या ये मैं हूं? क्या ये मेरा सदा के लिए रहने वाला स्वरूप है?
क्या जो मैंने कमाया है वो सदा के लिए मेरा रहेगा, अगर नहीं तो ये मेरा स्वरूप कैसे हो सकता है? इस शरीर की लेयर को, परत को अपने से भिन्न होने दें और खुद को और भीतर जाने दें। मैं ये शरीर नहीं हूं, अपना ध्यान अपने शरीर में चल रहे प्राण पर लगाएं। जो प्राण निरंतर बह रहा है आपकी नसों में, क्या ये मैं हूं और क्या ये प्राण सदा के लिए रहने वाले हैं? अगर नहीं तो ये मैं कैसे हो सकता हूं? खुद को इससे भी आगे जाने की अनुमति दें। आगे बढ़े अपने भीतर, और आप जिन विचारों से, जिन संस्कारों से जीते हैं, जिन कर्मों से हम जुड़े हुए हैं, इस जन्म के, पिछले जन्म के, क्या ये मैं हूं, क्या ये मेरा स्वरूप है जो सदा के लिए रहने वाला है? अगर नहीं तो मैं ये संस्कार कैसे हो सकता हूं, ये बिलीव्स कैसे हो सकता हूं? इसके भी और भीतर उतरते हुए, कहां से आ रहा है ये प्रश्न, ये इंटेलिजेंस जो मेरे अंदर ये प्रश्न कर रही है, क्वेश्चन कर रही है, क्या ये मैं हूं, क्या ये प्रश्न सदा के लिए रहने वाले हैं, चिरकाल तक रहने वाले हैं? अगर नहीं तो ये इंटेलिजेंस,
ये बुद्धि भी मेरा पूर्ण स्वरूप कैसे हो सकता है? इसके भी भीतर इस चीज को भी छोड़ दे, शरीर प्राण अपने संस्कार अपनी बुद्धि इन सब चीजों को छोड़कर कहां पहुंचे हैं आप, किस प्रकार का अनुभव हो रहा है इस समय? सब चीजों को छोड़ने के बाद जो बच जाता है, या कह लीजिए जिससे ये सब कुछ बना है, जिससे आपकी इंटेलिजेंस बनी, जिससे आपके संस्कार बने, जहां से प्राण आए, जहां से शरीर आया, इन सब का केंद्र आनंद का स्वरूप आपकी आत्मा सत चित आनंद, जो हर चीज को साक्षी भाव से देखती है, जो हर चीज के लिए साक्षी रहती है, विटनेस करती है। इस स्वरूप में खुद को विराम करने दें, पूरी अवेयरनेस के साथ, पूरी जागरूकता के साथ। सांसों के साथ बने रहे, thank you.
इस अवस्था में खुद को यह बताते हुए कि इस जन्म में या किसी भी जन्म में किसी भी प्रकार का जो ट्रॉमा मैंने अपने भीतर क्रिएट किया, बर्थ ट्रॉमा, डेथ अर्ज का ट्रॉमा, पेरेंटल डिसअप्रूवल का ट्रॉमा, स्कूल ट्रॉमा या रिलीजन ट्रॉमा या किसी भी प्रकार का ट्रॉमा, वो मेरा स्वरूप नहीं है। तो जो मेरा स्वरूप नहीं है उसको मैं जाने दे सकता हूं, क्योंकि मेरा स्वरूप आत्मन का स्वरूप। के स्वरूप से आ रहा प्रकाश आपको डीपली हील कर रहा है, आपके भीतर प्रकाश जागर हो रहा है, उसका विकास हो रहा है। जीवन में हर परिस्थिति में मैं अपनी चेतना अपने सही स्वरूप पर बनाए रखूंगा। आखिरी दो मिनट तीन गहरे लंबे सांस लेते हुए नाक के द्वारा लेकर एक क्षण मात्र के लिए अपने भीतर रोककर उसे मुंह से बाहर आने दें। धीरे धीरे अपनी आत्मा के प्रकाश को अपने इंटेलेक्ट में, अपने संस्कारों में, प्राण में, अपने स्थूल शरीर में लेकर आते हुए
अपने हाथों की हथेलियों को खोलकर उन्हें अपनी आंखों पर रखें, फिर धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें। Welcome back, everyone. आ जाइए दोस्तों, शाबाश। वेलकम वेलकम बैक।